तब मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोट डले हैं। काहे के इतने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और अब वे अपील कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों से कि 400 से ज्यादा प्रत्याशी उतारो तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह मत पत्र को इस्तेमाल करने पड़े। वे जो भी दावा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की हार पक्की है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एक सीट पे 375 से ज्यादा नामांकन होवे पे बैलेट पेपर से चुनाव होवे की बात कर चुके हैं। वे कार्यकर्ताओं से ज्यादा नामांकन पत्र भरवे की अपील कर रहे। दो ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के दावे को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बताऊ थे कि इस प्रकार को कोनो ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से ईवीएम में नोटा समेत 384 उम्मीदवारों तक के नाम दर्ज करे जा सकते हैं। इसे एक भी उम्मीदवार को नाम ज्यादा होबे पे बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़े। हालांकि जो भी सामान्य बात नहीं है, काय के इतने बड़े बैलेट पेपर को डायरी की तरह इस्तेमाल करने पड़े और इसके लाने मत पेटी भी अलग तरीके की बनाने पड़े। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के लाने सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25,000 रुपया की राशि जमा कराने पड़े तो 385 नामांकन भरवे पे 96,25,000 रुपया को खर्चा आए, और अगर आरक्षित वर्ग के लाने जी नामांकन हुई है तो इसे आधी राशि को खर्चा आए। दरअसल एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम फील हो सकते हैं। 2006 से 2016 तक M2 EVM में 16 से ज्यादा प्रत्याशियों की संख्या होवे पे एक बैलेटिंग यूनिट को जोड़ दो जाते हैं, यानी दो EVM में चार बैलेटिंग यूनिट जोड़ के 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब चार की जगह 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं, यानी 384 प्रत्याशियों के नाम अधिकतम दर्ज हो सकते हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह 400 से ज्यादा लोगों के नामांकन दाखिल करावे को प्रयास कर रहे हैं जिसे चुनाव बैलेट पेपर से होए, उतनी भारतीय जनता पार्टी कह रही है के प्रचंड हार की डर से दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। उनकी जमानत जब्त हुई है, यही से वे पहले दिन से बहाना ढूंढ रहे हैं। अब देखने जो ही है कि राजगढ़ में कितने प्रत्याशी सामने आउत का दिग्विजय सिंह 384 से ज्यादा नामांकन करवा पाउत हैं अलग अलग प्रत्याशियों के। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।